हेलो, माय सेल्फ रंजन कुमार वर्मा। तो इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बारे में पूरा विस्तृत सा जानकारी मिलने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। जैसे डिपार्टमेंट के बारे में, यहाँ का एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस क्या रहा है, साथ में यहाँ पे जितने भी फैसिलिटी के बारे में है, यहाँ पे कितने फंक्शंस वगैरह होते हैं, यहाँ के स्कॉलर्स कैसे हैं, यहाँ का डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं, क्या ये सपोर्टिव है या नहीं। क्योंकि बहुत सारा अगर आप देखिएगा JNU का, अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, क्या यहाँ पर वैसा होता है। ये सारा जानकारी, इस सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप इसको पूरा देखें और स्किप ना करें। एक अपना ही क्लासमेट है MA पॉलिटिकल साइंस से, तो ये अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे, साथ में ये बताएंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज तान्या एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे एक साल का ये रहा है। एक तो पहला तो बहुत सपोर्टिव स्टाफ हैं यहाँ के जितने भी टीचर्स, प्रोफेसर्स, PhD स्कॉलर्स, प्लस काफ़ी अच्छे दोस्त भी मिले हैं मेरे को। और यहाँ का टीचिंग स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता है। प्लस जो PhD स्कॉलर्स हैं वो आपको हर चीज़ के बारे में बताते हैं कि बीट, नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए एडवाइस लेनी हो तो आप उनसे ले सकते हो। और जो HOD सर हैं हमारे वो तो और भी अच्छे हैं, आप किसी भी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन जा सकते हो उनके पास। अभी हमारे साथ अपना ही क्लासमेट्स है, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और साथ में इनका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन CUEH। हाय, आई एम लोकेश फ्रॉम आंध्र प्रदेश। बेसिकली एज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, हियर द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड at initial stages are like main thing is language problem and the food things. Other than these two things, everything is good here and I got good friends who are just like family and studies are next level. Wherever you go, the faculties will they will teach only few aspects, but the rest of the things you should do it on your own. Here faculties, they will behave like guides to you, they will guide you, they will show the directions only, the rest of the things you should take care of yourself. It is same everywhere and hope you can do. And at first tell me about your introduction, and next question is that from where you got motivation to come here. Hi, my name is Sri Lakshmi and I am from Kerala. Actually, I heard about CUEH from the YouTube video, and my experience in here, I think the environment is here is very friendly in our department, and department faculties like professors and PhD scholars are very helpful to us in our studies. In any matter, they are very caring and very helpful to us. Actually, the problem here we face as a South Indian or as a Keralite, I think that is mainly the climate problem and food. Otherwise, there is no problem. And I am very happy to be here in CUEH. That's all. Hi, मेरा नाम है विशाल और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आता हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में टीचर्स जो प्रोफेसर हैं उनका स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में अभी तक 4 प्रोफेसर हैं, जिसमें सभी रिसेंटली सभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर की पोस्ट पर प्रोमोटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सभी प्रोफेसर जो हैं बहुत ही सपोर्टिव हैं। इन द केस ऑफ एकेडमिक्स की बात करें आप, या फिर आप बात करें नेट की बात करें, तो यहाँ पर सभी सपोर्टिव हैं। इवन नेट से ऊपर अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी प्रोफेसर इक्वली सपोर्टिव हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे एक सीनियर हैं जो अपने 2 ईयर्स का पूरा हॉल एक्सपीरियंस बताएंगे और ये अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्यांश मोहंती, आई बिलोंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा
मेरी यहाँ पर पढ़ाई और जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं काफ़ी हसीन है, काफ़ी अच्छे भी रहे हैं, कुछ बुरे रहे हैं, बट दैट्स लाइक पार्ट ऑफ द जर्नी दैट CUH हैज गिवन मी. एंड ओवर द इयर्स जो 2 साल हम लोगों ने यहाँ पर बिताए, बिकॉज द इनिशियल पार्ट हम लोगों ने कोविड के टाइम में बिताया था, बट लेटर ऑन जो फुल फ्लेज क्लासेस शुरू हुई, तो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन ऑल, बिकॉज कहीं ना कहीं व्हेन यू गेट टू मिक्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, बिकॉज मेरे पास दोस्त हैं यूपी के, फिर आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम तेलंगाना, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम केरला, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम कर्नाटका, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम राजस्थान, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम कश्मीर, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम हरियाणा. सो कहीं ना कहीं इट गिव्स यू अ मल्टीलिंगुअल और मल्टी डाइवर्सिफाइड ऑब्जेक्टिव जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो ये सारे लोग जब आपके सारे दोस्त बनते हैं, तो कहीं ना कहीं यू गेट टू नो कि येस देर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट विद इन द सोसाइटी, एंड आपको इन सब चीज़ों को जानने के लिए दिस मे बी अ गुड प्लेटफॉर्म एज वेल. साथ एक और हमारे क्लासमेट है जो जुड़ चुकी है, अब ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे. और साथ साथ में ये भी क्वेश्चन है इसके लिए कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर में ऐसा क्या एक्टिविटीज़ वगैरह या फिर ऐसे किस चीज़ के ऊपर में फोकस करती है, जैसे राइडिंग स्किल वगैरह हो गया, क्या यहाँ के प्रोफेसर्स क्या इसका जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह जो स्टूडेंट्स के होते हैं क्या ये सॉल्यूशन सर अच्छे से बताते हैं, यानी गाइड करते हैं, यानी तो ये अच्छे से आपको बताने वाली है. Myself Harshita, I am from Madhya Pradesh. I pursued my graduation degree from Delhi University. I am currently doing MA in the political science. Basically, यहाँ पे जो सारे teachers हैं वो writing skill पे काफ़ी focus करते हैं. जब आप देखेंगे तो वो prefer करते हैं कि आप research paper पढ़ें, आप authentic जो original book है आप उसे पढ़ें, ये नहीं कि कहीं से भी ऐसे पढ़ें. और जो आपका writing है, जो आप लिख रहे हैं, आप उसको समझें भी और वो राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो. जो कि आप कभी अगर फ्यूचर में, कई लोगों का एम होता है कि UPSC करें या तो PhD करें, तो PhD के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी राइटिंग स्किल अगर अच्छी नहीं तो आप कर भी नहीं कर पाएंगे, काम भी करेंगे तो अच्छे से अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ के टीचर जितना ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करते हैं उतना ज़्यादा राइटिंग पे फोकस करते हैं. 50-50 गेम है कि आप उस चीज़ को पढ़ो और उतना ही बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश करो. जैसे हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमें किसी चीज़ में लिखने में दिक्कत होती है, हम सर से एक बार लिख के एक दो बार चेक भी कराते हैं, सर उसे करेक्ट करते हैं, तो राइटिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव होती है. UPSC के लिए बहुत अच्छा है कि आपको मेंस लिखने में ना यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो जो अगला क्वेश्चन आता है वह डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कि डिपार्टमेंट जो पॉलिटिकल साइंस है वह कैसा डिपार्टमेंट है. सो बेसिकली जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यू वुड गेट टू नो कि डिपार्टमेंट में काफ़ी टीचर्स हैं हु कम फ्रॉम लाइक वेरियस बैकग्राउंड्स, कोई JNU से है, कोई BHU से है, यू गेट लोकलाइज एज वेल, बट कहीं ना कहीं यू हैव अ डिफरेंट मिक्स ऑफ लाइक ओपिनियंस और जो कहते हैं आइडियोलॉजी एज वेल. सो उसमें यू गेट अ गुड एनवायरमेंट टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिस्ट भी है, राइट्स भी है, सेंट्रिस्ट भी है, जो हम कहते हैं वन ऑफ माई फेवरेट्स, दो मतलब काफ़ी लोग हैं, बट आई वुड से कि इज प्रोफेसर चंचल कुमार शर्मा हु हैपन्स टू बी द डीन ऑफ सोशल साइंसेज एंड इज़ बीन अ प्रोफेसर हियर फॉर लाइक सेवरल ईयर्स नाउ, एंड ही स्पेशलाइजेस इन समथिंग कॉल्ड फिस्कल फेडरलिज्म. प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह, ही स्पेशलाइजेस इन माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, ही इज़ अमेजिंग गाइड एंड टीचर, एंड कभी भी आपको उनके साथ फ्रेंडली होना है, एंड ही डज नॉट बिलीव इन मेकिंग दैट हायरार्की काइंड ऑफ अ थिंग, तो उनके हिसाब से ही इज़ वेरी गुड इन दैट टर्म्स. दिस प्रोफेसर सांतेश कुमार सिंह जो JNU से है, प्रोफेसर सांतेश कुमार सिंह इज नोन फॉर पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, रिसेंटली प्रमोटेड एज अ प्रोफेसर. सो कहीं ना कहीं आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस एंड ऑल, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं. देर इज आवर ऑनरेबल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर रमेश कुमार सिंह. रमेश सर भी काफ़ी अप्रोचेबल रहेंगे, ही इज़ लिटिल स्ट्रिक्ट बट अगेन दैट इज रिक्वायर्ड विद द जॉब दैट ही पोजेसेस. And there is another teacher who is Shweta Sohail Map. Shweta Map is currently pursuing her PhD from like JNU in the Center of Law and Governance, and she is one of the best teachers I have ever come across in the entire faculty members, because jo amount of knowledge hai, that is unparalleled with anything at this point of time. तो अगला जो क्वेश्चन है कि क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए यहाँ का क्लाइमेट में कितना चैलेंजेस होगा. अगर आप क्लाइमेट के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम वाला हो जाता है.
तो जो साउथ से लोग आते हैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा यहाँ पे आना। ठीक है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। हमारी क्लास में भी काफ़ी बच्चे साउथ साइड से हैं, साउथ इंडिया से हैं, तो उनको भी लाइक फॉर अ वीक उनको प्रॉब्लम आई थी, बट लाइक अब वो सेटल्ड हैं यहाँ पे। थोड़ा समर में जो हीट होता है, हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और प्लस वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ओपन स्पेस काफ़ी है, तो उस वजह से काफ़ी हीट हो जाता है, और उसी वजह से काफ़ी विंटर्स में ठंड भी हो जाती है। तो अभी तक तो यही वेदर है यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ एक और क्लासमेट है, ये अपना इंट्रोडक्शन और साथ में इनका दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि इनका ऑल ओवर एक्सपीरियंस क्या रहा है और यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ललिता फ्रॉम फरीदाबाद एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एमए पॉलिटिकल साइंस इन सीयूएच डिपार्टमेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। So, I did my graduation from Delhi University, and when I took admission in this university, मेरे को थोड़ा हेजिटेशन था कि कैसा होगा ये यूनिवर्सिटी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी मच गुड। एंड जो यहाँ का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसमें जो फैकल्टीज है दे आर वेरी गुड। लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट PCS एंड ऑल, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इवन सीनियर्स के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होगा। लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, सब ने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे किया, हमारे स्टडीज़ को लेकर के, नोट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड करी। एग्जाम्स के टाइम पे, इवन सेशनल्स के टाइम पे ऑल्सो, जब भी हमें ज़रूरत होती थी हम उनसे नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मांग लेते थे। एंड यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। लाइक कंपेयर किया जाता है अगर देखे तो, जैसे JNU हो गया, वो काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो अभी न्यूली एस्टेब्लिश हुई है, इसकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह है सारी काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है क्लास में, एक क्लास में 3 AC है, एंड स्टडी के लिए भी एक अलग से रूम अलॉट किया गया है हमें पॉल साइंस डिपार्टमेंट को, जिसमें MA के स्टूडेंट जो है वो पढ़ सकते हैं, एंड हम स्कॉलर्स रूम में भी जाके पढ़ सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर चेयर्स एंड टेबल्स ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो पॉल साइंस डिपार्टमेंट जैसे ब्लॉक 3 में है, तो ब्लॉक 3 के पास ही यहाँ पे मिनी कैंटीन है, एंड एक प्रॉपर कैंटीन भी है। अगर आपको कुछ खाना है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, एंड ऐसा नहीं है कि फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड आपको काफ़ी मिनिमम प्राइस में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे होता है कि समर सीजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मेस जाना पसंद नहीं है, तो वो ईजिली कैंटीन में जा करके एंड काफ़ी कम प्राइस पे अपना जो खाना है वो खा सकते हैं। आपने भी जो बताया है कि जैसे UPSC के लिए जो राइटिंग जो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल। अब अगला जो क्वेश्चन है कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पता ही है कि जो डिपार्टमेंट है वो एक बेहतरीन डिपार्टमेंट में, तो यहाँ आपको थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में बताइए। यहाँ पर क्या कोई भी बुक अगर हम चाहें तो क्या हम लोग कभी भी एक्सेस किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल रंजन, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक और ओरिजिनल बुक्स, जैसे प्लेटो की जो राइटिंग्स है, मैकियावेली है, ऐसे कई थिंकर्स की राइटिंग अवेलेबल है। अगर आप कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, रिसर्च पेपर भी आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी की साइट पे मिल जाते हैं, ई बुक्स अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जिसको आपको ज़रूरत है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप लाइब्रेरी वालों को मेल करके उनसे कॉन्टैक्ट करके वो भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सारा डिबेट में पार्टिसिपेट भी किए थे और बहुत सारा आपने यहाँ पे जीता भी है, तो आने वाले जो स्टूडेंट है आप उसको क्या राय देंगे, क्या उसके लिए क्या अदर एक्सपोजर है या नहीं है? जैसे कि तुमने बोला कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर यहाँ पर, लाइक डिबेट्स को लेकर, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को लेकर, मैं ये बताऊँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जब भी होता है ना, यू नीड टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा फ्रॉम योर एंड। तो आपको इन सब चीज़ों को जानने के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ सर्चिंग कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स। जैसे कि मैं अपने 2 years में काफ़ी सारे मॉडल इवेंट कॉन्फ्रेंसेस, यूथ पार्लियामेंट्स अपने एंड से खुद गया हूँ, पार्टिसिपेट किया हूँ, खुद जीता हूँ, कहीं कहीं पर आई हैव बीन इन्वाइटेड एज अ मॉडरेटर और अ जज और एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर फॉर दीज कॉन्फ्रेंसेज, जहाँ पर मेरे एक्सपेंसिस तक भी पेड हुए हैं फ्रॉम दी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें कुछ कुछ IITs इंक्लूड है, NITs इंक्लूड है, काफ़ी अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर, यहाँ पर थोड़ा वो एस्पेक्ट कम है
मे बी बिकॉज नोबडी टेक्स दैट इनिशिएटिव कि इन सब चीज़ों को शुरुआत कैसे करते हैं. बट वंस यू टेक एन इनिशिएटिव आई थिंक इट्स मच ईजियर फॉर यू कि आप यहाँ पर कैसे इस चीज़ को एस्टैब्लिश करोगे, एक कल्चर डेवलप कर सकते हो. एंड इट्स वेरी ईजी टू डेवलप अ कल्चर इन सी यू एच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इट्स अ बडिंग यूनिवर्सिटी एट दिस पॉइंट. एंड यहाँ पर आप कोई भी नई चीज़, कोई भी नई प्रैक्टिस को आप अगर डेवलप करना चाहोगे तो इट्स अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द सेम. अब हमारे साथ में और भी क्लासमेट्स जुड़ गए हैं. अब अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे और साथ में जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर के बारे में तो आपको बहुत जानकारी मिल चुकी है, अब साथ में यहाँ से यूनिवर्सिटी के बाहर में क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे, जैसे कि क्या शॉपिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा या फिर क्या मोमोज़ वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए कुछ है या नहीं, तो ये हमारे साथ में जो दोस्त है वो बताने वाले हैं. मेरा नाम नीतीश है एंड मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो अगर यहाँ पे आसपास के एरिया की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कोई बड़ा मार्केट तो है नहीं, छोटे मोटे गांव हैं जस्ट. यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर के रेडियस में कुछ कुछ गांव मिल जाएंगे. बाकी खाने पीने के लिए कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, और जैसे कि परमहंस है और कुकड़ूकू रेस्टोरेंट है जिसको नॉन वेज खाना है. हमारे दोस्त ने बताया कि बाहर में बहुत सारे छोटे मोटे ढाबे हैं, उन पर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, देसी टेस्ट आता है वैसे बताओ तो आपको. और कैफे हैं बहुत सारे, और यहाँ से अगर महेंद्रगढ़ है 12 किलोमीटर्स, जहाँ पे कि कुछ शिकागो पिज़्ज़ाज और कुछ बर्गर के शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे. बाकी अगर शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है तो यहाँ पे ट्रेंड्स भी है महेंद्रगढ़ में, तो वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं. बाकी वीकली मार्केट भी लगता है शायद वहाँ पे एक दिन. और फैक्ट्री आउटलेट्स भी है जिसपे कि 50% ऑफ रहता है ऑल सीजन. और बाकी अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी हो तो यहाँ पे नियरेस्ट थिएटर नारनौल में, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और एक अच्छा मॉल टाइप और एक्सपीरियंस चाहिए तो वो रेवाड़ी आपको मिल सकता है. ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ यूनिवर्सिटी का, काफ़ी अच्छा है. यूनिवर्सिटी नई बनी है इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह. बाकी यूनिवर्सिटीज से देखा जाए जैसे कि पंजाब हो गई या फिर सी यू राज हो गई,